आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अभी तक क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे. पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं. फर्स्ट आई यूज टू मेक वीडियोज ऑन लाइक नेचुरल रेमेडीज एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग व्लॉग्स एंड ऑल दैट. बट राइट नाउ समथिंग आई हैव अ ग्रेट चेंज इन माई लाइफ एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. और आई स्टार्टेड गिविंग माई इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू एंड यस मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था. सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल क्योंकि ये चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगी आप लोग के लिए. इफ़ एनी वन वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू उन लोग के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप लाइक वीडियो को पूरा पूरा देख लेते हो. और यस अभी आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनी कैबिन क्रू. तो यस यू कैन सी माई वीडियोज अबाउट कैबिन क्रू. आई विल बी मेकिंग सो मेनी वीडियोज ऑफ कैबिन क्रू लाइक आपको रिज्यूमे कैसा बनाना है, कैसा पोस्चर रखना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना. आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट क्योंकि मैं उस जर्नी में रही हूँ. तो यस आई गेस आई कैन हेल्प यू. एंड आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है इंडिगो का. मैंने सबसे पहला इंटरव्यू जो दिया था वो था इंडिगो का. यस बट बिफोर टेलिंग यू वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर लाइक जब मैंने अपना क्लास 12th क्लियर किया था आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया कि मेरे को कैबिन क्रू बनना है. लेकिन होता नहीं कि लाइक लाइफ में आप जब जब जैसे जैसे ग्रो करते हो लाइफ में थॉट प्रोसेस चेंज होती है. तो लाइक जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और मेरे को अपने बारे में एक चीज रियलाइज हुई कि लाइक मेरे को एडवेंचर्स बहुत पसंद है. लाइक आई वॉन्टेड टू गो द प्लेसेज, आई वॉन्टेड टू विजिट द प्लेसेज और मेरे को वो सब करना बहुत अच्छा लगने लगा. सो आई थॉट कि कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कि मैं घूम भी सकूं और पैसे भी अर्न कर सकूं. और मेरे को एक आइडिया आया एक दिन सडन कि आई कैन ऑल्सो बी अ कैबिन क्रू. और कैबिन क्रू बहुत ही अच्छी जॉब है. लाइक यू कैन अर्न मनी एंड लाइक हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं सिंपली विद ऑल द जॉब्स. बट ये एक अच्छी जॉब है अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एडवेंचर्स इन्जॉय करना चाहते हो, जो लाइफ में कुछ लाइक डिफरेंट करना चाहते हो, वो डेस्क जॉब नहीं करनी है. तो या दिस इज फॉर यू. चलो ये सारी बातें कर ली, अभी हम बात करते हैं इंडिगो इंटरव्यू की जो मेरा सबसे 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 पहला इंटरव्यू था. और लेट मी टेल यू इंडिगो जो इंटरव्यू लाइक कंडक्ट कर रहा था, मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने दिया था जनवरी में अपना इंटरव्यू दिया था. एंड सो सबसे पहला राउंड था मेरा. मेरे को भी डेट तो नहीं याद है मैंने किस डेट को दिया था, बट आई गेस दैट वाज 27 जनवरी एरोसिटी में हुआ था मेरा, दिल्ली में हुआ था. और जो सबसे पहला राउंड था वो था उनका एक लाइक 7-8 गर्ल्स को बुला लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उन गर्ल्स से. ठीक है तो मैं भी वैसे वैसे पहुंच गई. मेरा टाइम था पहुंचने का 9 बजे और मैं लोकेशन पे वेन्यू पे पहुंच गई थी अप्रॉक्स 8:45 पे मैं पहुंच गई थी. यस और मेक श्योर कि आप कभी भी कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाओ. सेम मैंने भी वैसे किया क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे ऑब्वियस है. तो 8:45 पे मैं पहुंच गई और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तो बहुत लंबी लाइन लगी थी ऑब्वियसली क्योंकि अप्रॉक्स मुझे लगता है क्योंकि उस टाइम पे इंटरव्यू लगातार कंटिन्यूस इंटरव्यू हो रहे थे. तो उस टाइम पे ज़्यादा गर्ल्स तो नहीं पर हाँ अप्रॉक्स 400 से 500 लड़कियां वहां पर आई हुई थी. और वहां पे गए, वहां पे मैंने अपना रिज्यूमे दिया और उन लोगों ने एक नंबर असाइन कर दिया मेरे को, बोला वेट करने को, जब तुम्हारा नंबर आएगा यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू. ठीक है आई वाज वेटिंग और फिर उसके बाद एक रो बनवाई गई 7 से 8 गर्ल्स की. फिर हमको बोला गया जाके बैठ जाओ. वी जस्ट वेंट एंड हमें काउच दिया गया, हम उस पर बैठ गए. और फिर उसके बाद एक मैम आई एंड शी हैड कलेक्टेड द रिज्यूमे वन बाय वन. उन्होंने रिज्यूमे ले लिया एंड शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिज्यूमे. ऐसा कोई रॉकेट साइंस वो नहीं पूछते तुमसे, लेकिन हाँ तुमसे ऐसा कुछ पूछेंगे कि लाइक दे विल चेक यू योर प्रेजेंस ऑफ माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर टू दे विल चेक लाइक द वे विच द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन. सिंपल उन्होंने मेरे से क्या पूछा था, रिज्यूमे से पूछा टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड हाँ सिंपली मैंने आंसर कर दिया अबाउट माई हॉबीज एंड शी आस्क मी कि व्हाई दीज हॉबीज. आई आंसर दैट ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. पर पता है कभी कभी क्या होता है लाइक इफ यू आर नॉट गुड एट लाइक इफ यू आर नॉट गुड अबाउट योर कम्युनिकेशन देन इट कैन हैपन टू यू दैट यू कैन स्टार्ट फंबलिंग. अगर तुम फंबल करोगे लाइक यू विल टॉक लाइक दिस, आईज अपनी रोल करोगे और बार बार लाइक ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है सब ऐसे कुछ भी करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि तुम उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो. तो बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स्ड और जो भी तुम्हें पता है जस्ट आंसर दैट सिंपल. हालांकि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हम बात करें कौन कौन से राउंड हुए. सबसे पहला राउंड था, उन्होंने रिज्यूमे से मेरा क्वेश्चन पूछा और उन 8 लड़कियों में भी 2 गॉट सिलेक्टेड एंड द रिमेनिंग एवरी वन गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गर्ल्स कि आप कॉन्फिडेंट रहो, चेहरे पे प्यारी से स्माइल रखो और जो भी आंसर दे रहे हो लाइक उसके बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट, और इंग्लिश अपनी ठीक ठीक रखो, अदरवाइज आई गेस जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है वो कॉन्फिडेंट भी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है, तो इंग्लिश अच्छी रखो इसके लिए। और फिर उसके बाद पहला राउंड क्लियर हो गया, जस्ट वी वेंट फॉर द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड वॉज बीएमआई राउंड। बीएमआई राउंड में वो तुम्हारा पूरा अपना हाथ चेक करते हैं, हाथ में कोई स्कार्स तो नहीं है और फेस में कोई स्कार्स तो नहीं है, गला वगैरह चेक करेंगे, तुम्हारा पैर भी चेक करेंगे, एवरीथिंग जो चेक्ड, और हाइट और वेट चेक करते हैं, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, हाइट 157 सेंटीमीटर, वेट बीएमआई बिटवीन 18 to 22, ये इनका क्राइटेरिया था, आई पास दैट क्राइटेरिया ऑल्सो। और अगर थोड़ा बहुत स्कार है जो कंसील हो सकता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, ओके। और ऐसा नहीं है कि स्कार है तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे कैसे जाएंगे, अगर वो कंसील कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक स्क्रैच एंड आस्क यू, बट तो अच्छे से कंसील कर लो, सिंपल। बहुत बड़ा अगर मार्क है और कोई कट वट का मार्क है दैट कैन बी द प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई बर्न मार्क है, कोई बर्थ मार्क है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, यू कैन कंसील दैट एंड यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। एंड यस, इस तरीके से मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड में पहुंची, थर्ड राउंड वॉज वर्चुअल राउंड। वर्चुअल राउंड में लैपटॉप दिया, उसमें एक मैम थी एंड शी वॉज आस्किंग सम ऑफ द क्वेश्चन, उन्होंने मेरे से जो पूछा था वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा था टेल मी एनी इन्वायरमेंटल इशू, मेरे को दिमाग में उस समय पॉल्यूशन आया तो मैंने पॉल्यूशन बता दिया। बेसिकली जो मेरे को उनका आइडिया समझ में आया, जो वो चेक करने की कोशिश कर रही थी वो ये था कि लाइक इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दैट। बहुत लोग होते हैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, बहुत लोग दे स्टार्टेड लाइक अपने आंखों से वो ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ लोग अपने हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ लोग एक्चुअल में फंबल होने लग जाते हैं, कुछ लोग की बॉडी शिवर करने लगती है। आई गेस वो ये सब चेक कर रही थी और एक्चुअल में मैंने देखा वहाँ पे गर्ल्स करती हैं, तो प्लीज़ गर्ल्स इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो और अपनी बॉडी पे कंट्रोल करो, लाइक शिवर मत करो, फंबल मत करो, कॉन्फिडेंट रहो, कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना कम फंसोगे, ठीक है। डू यू ऑल्सो नो हिंदी, आई सिंपली आंसर्ड येस। उन्होंने मेरे से पूछा विच बुक यू हैव रेड रिसेंटली, तो मैंने उनको बताया इकिगाय, तो उन्होंने कहा एलोबरेट, तो मैंने थोड़ा बहुत एलोबरेट करते जितना मेरे को पता था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उनके जो कि कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बट या दे विल चेक यू द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, स्पेशली आप फेस में कैसे रखते हो, अब पता लगा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तुम स्माइल करना ही भूल गए, ये वाला अगर एक्सप्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो वैसा कुछ भी मत करो, स्माइल करो, अच्छे से आंसर करो, ठीक है। तो मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड के बाद दे जस्ट आस्क फॉर द फोर्थ राउंड। अब फोर्थ राउंड में अप्रॉक्स हम 15 लड़कियां बचे थे, उन 500 में वी वर ओनली 15 गर्ल्स आउट देयर, तो आप समझ सकते हो कि उनका क्या लेवल होता है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, मैं ये नहीं कहूंगी, पर लड़कियां छोटी छोटी चीजों में गलती कर जाती हैं, तो प्लीज वो चीजें मत करो। और फोर्थ राउंड में एचआर मैम थी, उन्होंने कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, तो उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि कैन यू टेल मी व्हाट डू यू डू, बस तो उन्होंने सिंपल इतना पूछा, मैंने बता दिया। बट वहां पर क्या हुआ, अनदर एचआर केम एंड शी अनाउंस्ड सम ऑफ द नेम, और जिसमें मेरा भी नाम था, एंड शी टोल्ड मी दैट यू गर्ल्स आर नॉट सेलेक्टेड। यस, तो आई डिडंट गॉट सेलेक्टेड माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिगो, बट द रीजन आई एम वेरी क्लियर अबाउट, रीजन मेरा जो था, जो मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी, वो मेरे को अच्छे से पता है कि क्यों। एक्चुअल में मैं मैम के पास गई भी पूछने कि मैम कैन यू टेल मी व्हाई आई डिडंट गॉट सेलेक्टेड, तो उन्होंने कहा उनकी पॉलिसी में नहीं है, वो मुझे नहीं बता सकती, पर मेरे को पता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पिम्पल्स बहुत हो गए थे फेस पे, लाइक काफी पिम्पल्स हो गए थे, यहाँ पर 4-5, यहाँ पे 4-5, यहाँ पे लाइक अप्रॉक्स मेरे को 10 पिम्पल्स पूरे फेस में और हो गए थे, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी पता है बहुत लाइक प्रॉब्लम हो गया था, मेरी ट्रेन नहीं थी टाइम पे और डिले थी, तो जिसकी वजह से मुझे दूसरा लाइक देखना पड़ा ट्रांसपोर्ट, उससे मैं गई, तो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी लाइक कैजुअल, बहुत चीज़ें इतनी जैसे मैंने प्लान की थी वैसे नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई, पिंपल्स बहुत सारे फेस पे हो गए और वो चेहरे पे टायर्डनेस दिख रही थी, और मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता था कि मैं कवर कर लूं, तो दैट वाज माय प्रॉब्लम, आई डिडंट गॉट सेलेक्टेड। बट देयर वाज नथिंग लाइक कि मेरा कम्युनिकेशन नहीं अच्छा था एंड आई वाज फंबलिंग एंड आई वाज शिवरिंग, नो दैट देयर वाज नथिंग लाइक दैट, या बट द रीजन वाज आई वाज हैविंग पिंपल्स ऑन माय फेस, और सिंपल है, अगर माय फेस पे पिंपल्स, देयर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, बिकॉज आई हैव टोल्ड देम दे आर एक्टिव एक्ने, बट हाउ दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन मी, सिंपल, तो दे डिडंट गॉट, दे हैवंट सेलेक्टेड मी, सो यस। बट रिसेंटली आई एम अ ट्रेडी कैबिन क्रू, और अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी एयरलाइन में काम कर रही हूँ, कौन सी एयरलाइन की ट्रेडी कैबिन क्रू हूँ, तो प्लीज आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, और डेफिनेटली आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियो,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ अगर एविएशन सेक्टर में आना चाहती हैं एज अ कैबिन क्रू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल। और सिंपली एक बात आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि या ट्वेल्थ के बाद ये बहुत अच्छी जॉब है, यू कैन गो फॉर दिस जॉब। और मैंने तो अपनी काफ़ी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही जॉब करने का सोचा। सो इट्स लाइक इट्स योर चॉइस आपको कब क्या करना है, बट या डेफिनेटली इट्स अ गुड जॉब। एंड बहुत सारी बातें हम लोग बाद में भी करने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, आई विल बी कमिंग विद लॉट मोर वीडियोज़ अबाउट कैबिन क्रू। अभी आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे कैबिन क्रू के बारे में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक एंड इफ यू डू लाइक द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन एंड